समीर महासेठ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश मिलकर बिहार को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। उद्योग मंत्री ने यह भी कहा है कि सभी अगर बिहार को आगे बढ़ने देते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता। नेपाल में हमारे यहाँ दहा जाता है मधुबनी जिला से इधर। अरे पूरा देश मिलकर के बिहारे को नहीं आगे बढ़ने देना चाह रहा है, ये नहीं लग रहा है, है? पूरा देश को मिलकर के बिहार को अगर आगे बढ़ने देता तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से नहीं मिलता। चार दिन पांच दिन बारिश हो जाएगा नेपाल में, हमारे यहाँ दहा जाता है मधुबनी जिला से, ये दर्द नहीं है देश में, है? बिहार सरकार के विधि मंत्री शमीम अहमद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपना छवि सभी से अलग रखना चाहते हैं। विधि मंत्री ने यह भी कहा है कि महागठबंधन की सरकार में सभी लोग निर्भय हैं और कहीं भी डर की स्थिति नहीं है। इस देश में खास करके हम बिहार की बात करेंगे, बिहार में इस तरह के जब तक हमारे महागठबंधन की सरकार रही है यहाँ पे एकदम सभी लोग निर्भय हैं, कहीं की डर की स्थिति नहीं है। देश में कुछ इस तरह की बातें आ रहे उस पर भी विचार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री आप बिहार की प्रतिभा का हनन बंद करें। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने बीएसएससी परीक्षा का सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पूर्ति कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के प्रतिभा का हनन बंद करिए। बिहार के प्रतिभा का जिस तरह से दमन कर रहे हैं आप, बीएसएससी का एग्जामिनेशन एक पेपर रद्द क्यों किए, दो पेपर रद्द होना चाहिए। आप जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, पूरी मन के अंदर आपकी थोड़ी सी भी ईमानदारी से काम करने का है तो सीबीआई से जांच कराइए या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए, लेकिन आप इस तरह से बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ बंद करिए। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ। इसी बीच नालंदा जिले के बिहार शरीफ के बिहार थाना क्षेत्र के गढ़पर मोहल्ले में स्थित सामुदाय भवन बूथ नंबर 8 के पास मतदान के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जहां जमकर पथराव भी हुआ। इस दौरान दो लोग घायल हो गए। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। वहीं डीएम और एसपी ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। तो दूसरी ओर लहेड़ी थाना क्षेत्र के पैड़ू महतो सोमरी कॉलेज के पास भी दो प्रत्याशियों के बीच झड़प हो गई। प्रशासन वहाँ पहुँच करके उसको चेक कर रहा है। हम लोग का यही प्रयास है कि शांतिपूर्ण मतदान देखने आए हैं। हम लोग बैगनाबाद में भी रोड़ेबाजी हुई है, वहाँ हम लोग चेक कर लिए थे, अब कोई दिक्कत नहीं। कई जगह वोटिंग का नहीं, उस बात आने से नहीं होगा ना, प्रमाणित होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।